आज रक्षाबंधन के रात में पहुंच रही हूं, पहले कि नहीं पहुंच पाए उसके अभी आप ब्लॉग में आ। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैं मायके जा रही हूं, बट ये पूरी खुशी खाली मायके जाने की नहीं है, एक खुशी है कि अब मैं यहां वापस लौट के नहीं आऊंगी, इसलिए डबल खुशी है मायके जाने की भी और वापस यहां पर नहीं आने की भी। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आप देख सकते हो मेरा बाबू सो गया क्योंकि बज गए हैं 12 और मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ कि अभी फ्री हुई हूँ मैं सारा काम ख़त्म करके और अभी कुछ और तैयारियाँ करनी है, उसके बाद अब करूँगी तैयारी। फिलहाल मैंने इसको सुला दिया, आज बहुत रोया है, बहुत रोया है क्योंकि इसके पापा चले गए घर पे जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ गए हैं, तो इसका मन कि मैं भी जाऊँगा कपड़े निकाल के पहन के, उसके लिए इतना बहुत रोया है। बट अभी मैं उसकी नींद आ गई तो वो सो चुका है। तो आप सब कैसे हो? आई होप अच्छे। तो आप सभी अच्छे होंगे, रक्षाबंधन की तैयारी कर चुके होंगे, कैसी गई आप सबकी रक्षाबंधन की तैयारी, कैसे चल रही है ज़रूर बताना कमेंट करके, ठीक है? और बाकी मेरी मेहंदी कैसी लग रही है ज़रूर बताना। मैंने रात में बैठे बैठे थोड़ा टाइम पास करने के लिए लगा लिया एक हाथ में, ठीक है? मैं कोई मेहंदी आर्टिस्ट नहीं हूँ जो जज मत करना। बाकी कलर कैसा आया है, मेहंदी कैसी लगी है ज़रूर बताना, थोड़ी सी लगाई है बस, ठीक है? तो अभी हम जा रहे हैं पैकिंग करने, कहाँ जा रहे हैं आगे बताती हूँ, पहले फ़िलहाल पैकिंग कर लेती हूँ क्योंकि 12 से ऊपर हो चुका है, 12 बजे मैंने बाबू को सुलाया था, अब 1 बजने को आ गए हैं। मुझे ढेर सारा काम है, पैकिंग कर लूँ फिर नाश्ता भी बनाना है, ठीक है? तो मिलती हूँ फटाफट से, पहले पैकिंग कर। यहाँ पे नहा धो के मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो अपने देख लिया है और यहाँ पर थोड़ा स्टाइल मार रही हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ, मायके जाने की खुशी मेरे चेहरे पर दिख रही है या नहीं, मैं स्टाइल मार रही हूँ। और मायके जाने से ज़्यादा खुशी इस बात की है कि अब मैं यहाँ पे वापस लौट के नहीं आऊँगी, तो अब यहाँ पे मैं वापस लौट के नहीं आने वाली हूँ, इसलिए ज़्यादा खुश हूँ। मायके जाने की खुशी तो बहुत कम है, उससे ज़्यादा खुशी ये है कि अब यहाँ नहीं आऊँगी, नहीं आऊँगी बार बार रिपीट कर रही हूँ। ये कपड़े मैं निकाल रही थी बाबू के लिए जो इसको पहनाऊँगी, और फिर मैंने बैग पैक किया, उसके डायपर निकाले, मैं जो पहनूँगी, मेरे पतिदेव जो पहनेंगे, सारे कपड़े निकाले और बैग पैक कर लिए जाने के लिए। जब वही पैकिंग कर रही थी क्योंकि बाबू सो रहा था, बच्चे जब सो जाते हैं ना तो पैकिंग सही से हो जाती है, कोई भी काम सही से हो जाता है, और उसके उठने के बाद तो मेरा कोई भी काम सही से नहीं होता है, वो तो आपको आगे ब्लॉग देख के पता चल ही जाएगा कि मेरा काम कितना गड़बड़ हो रहा था, हड़बड़ हो गई थी लास्ट में तो। और उसके बाद ये देख सकते हो, फिर मैंने एक एक सेट सब ले जाने के लिए कपड़े रख लिए, पहले पहनने के निकाल लिए फिर ले जाने के निकाल लिए, तो ऐसे ही करके सारा हमने काम ख़त्म किया। और आप सबके रक्षाबंधन कैसे हुई? मैं रक्षाबंधन में 30 को नहीं मना पाऊँगी क्योंकि मैं 30 को रात को 6 बजे पहुँचूँगी, मतलब शाम को, तो मैं शायद ही उस दिन रक्षाबंधन मना पाऊँ, मेरा रक्षाबंधन 31 को होगा। आप सभी ने रक्षाबंधन कब मनाया प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके यहाँ कब मनाया गया। हमारे गाज़ियाबाद, दिल्ली में और क्या बोलते हैं सूरत में सब 31 को ही मना रहे हैं, सूरत में मोस्टली 30 को भी मना रहे हैं, 31 को भी मना रहे हैं, तो मैं कंफ्यूजन में थी और ऐसे भी हम लोग लेट भी पहुंचे थे, तो मैं 31 को ही मनाऊंगी। मेरे वीडियोस और पोस्ट भी 31 को ही जाएंगे, फिलहाल जो ब्लॉग्स और वीडियोस जाए उसको ढेर सारा प्यार देना, नए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मैंने सबके कपड़े अलग कर दिए हैं यहाँ पर, और इसके बाद मैंने अपनी चूड़ियाँ सब साइड कर रही थी, अभी देख सकते हो मेरा बाबू उठ गया है, चेन को बंद खोल कर रहा है। ऐसे बताया ना कि बच्चे उठ जाए ना मतलब काम कर सकते हैं, नाश करके बढ़ जाते हैं। मेरा बाबू तो मेरी हेल्प भी करता है और परेशान भी करते हैं। फिर मैंने यहाँ पर चूड़ी का सेट लगा लिया और मैंने सोचा पहन ही लेते हैं, फिर लेके जाएंगे तो गाड़ी में टूटने का डर रहेगा और ज़्यादा सामान मैं लेके जा नहीं रही हूँ कि मैं सेफ्टी से ले जाऊँ, इसलिए मैंने चूड़ी का सेट लगा के मैंने पहन ही लिया। और उसके बाद फिर मैं गई खाना बनाने जो हमें रास्ते के लिए ले जाना था, तो थोड़ा सा मैं नाश्ता बना लिया कि रास्ते में खा सके, छोटा बाबू है वो खा सके। और मैंने चूड़ी का सेट लगा लिया है, कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। आपको रक्षाबंधन पे मेरे हाथ में ही चूड़ी देखने को मिलेगा क्योंकि जैसे पता है कि मेरे घर में बाढ़ है, मैंने कुछ स्पेशल सोच रखा था बट जो मिला ऊपर ऊपर से मैं लेके आ गई, घर जाके मेरे पति देव ला दिए तो मैं लेके आ गई, फिर सेट लगा के मैंने रख दिया जो सब ले जाना है, जो पहनना है, ठीक है? और उसके बाद मैं चली अपना खाने की तैयारी करने। ये उठ गया, देखो मेरी हेल्प करवा रहा है, सारे बच्चे शैतान नहीं होते, गलत बोल रही हूँ मैं, मेरा बच्चा तो बड़ा हेल्पफुल है, मेरी मदद करा देता है। हाँ ये है कि एक दो चीज़ें तोड़ फोड़ भी देता है, तो भाई बच्चा है थोड़ी मस्ती तो करेगा। चलो ठीक है, आप सबका रक्षाबंधन कैसे मना, किस तरह से मनाया जरूर बताना। सो
घर पे सूट नहीं कर पाई, घर पर बहुत सारा काम हो गया था। एक बच्चे के साथ ना काम का तो छोड़ो, टाइम कुछ पता चलता ही नहीं है, ये काम वो काम वो काम, बच्चे हैरान करते सो अलग। सो मैंने वहाँ पर कुछ सूट किया। रास्ते में भी ओला बुक कर रखा है, बट ओला वाले को रास्ता ही नहीं मिल रहा था, तो हमें बाहर निकल के जाना पड़ता है धूप की वजह से। ठीक है, तो ओला वाला रास्ता पता नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से हमें हाट रोड पे जाना पड़ रहा है। देखो आगे ओला वाला कहाँ मिलता है, वहाँ से बात करते हैं। चलते चलते बात करना पड़े, डिफिकल्ट है, पता नहीं था सारे ब्लॉगर्स कैसे बात कर लेते हैं। मेरे बस का तो ना है। फाइनली हमारी ओला आ चुकी थी, और ओला वाले ने बताया कि आप फालतू का इतना चल के आए, क्योंकि वो अंदर तक आया था, हम उस जगह पे न्यू थे तो हमें भी एड्रेस पता नहीं था, और ओला वाला उस रास्ते से फूके बाहर को आ गया था, तो बाहर तक हमें चल के आना पड़ा। ये एड्रेस पता होता तो हम अंदर ही पिकअप कर लेते हमें वो, तो थोड़ी तकलीफ़ हो गई बस। लेकिन फिर भी ओला बुक करना भारी पड़ गया, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ओला बुक है, और मैंने खाना खा लिया, और मुझे खाने के बाद गाड़ी ट्रैवलिंग करना हजम नहीं होता है, बाइक कितनी तो कर लेती हूँ, गाड़ी मुझे लिए सही नहीं होता है। हाँ फिर भूखे पेट करूँ तो मैं गाड़ी की ट्रैवलिंग कर सकती हूँ, तो वही ओला मेरे लिए भारी पड़ गया, क्योंकि उल्टी करते करते मैं परेशान हो गए। फिर आ गया हमारा स्टेशन, देखो स्टेशन में बंदर कितने सारे थे। मंकी मंकी कहाँ पे जाना है, ध्यान कहाँ है, बोलता मुझे भी जाना है। कौन सा लेना, मेरे ही तो थे। अब यहाँ पे कुछ पैकेट्स और बिस्किट्स ले आए बाबू के लिए, और हमारे ट्रेन का टाइम हो चुका है, ट्रेन आने वाली थी, तो हम लोग यहीं पे रोक रहे हैं, और मिलेंगे आपको सूरत जाके। ठीक है, बाकी छोटे मोटे जो होंगे आपको मिनी ब्लॉग में दिख जाएगा, तो आप मिनी ब्लॉग और शॉर्ट्स जाके देख सकते हैं। तो हम लोग ट्रेन ऑटो उतर चुके हैं, आप ब्लॉग की एंडिंग में यहीं करूँगी, और इसके आगे कितने एक्साइटेड है बताएंगे, और हमें पिकअप करने कौन आया है देखते हैं। मेरे पति देव ब्लॉग करते हैं, मतलब हाईवे से आने वाला है। देखो मैं वेडू में रेडी है नानी नाना छुपने के लिए। ठीक है, मैं आज रक्षाबंधन के रात में पहुँच गई हूँ, पहले क्यों नहीं पहुँच पाए, अभी आप ब्लॉग में आगे पता चली जाएगा आपको, शायद नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँ या। ठीक है, ट्रेन की वजह से हमें रात में पहुँचना पड़ रहा है, बाकी ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ, धूप आ रही है, अब मिलते हैं घर जाके दूसरे ब्लॉग में।